बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ रहें आबाद रहें, खुश रहें और हमेशा सदा मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलें परेशानियों को दूर करे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा ड्रिंक बनाने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जी मेरे पास है कैरी है, फालसा है और लेमन है, और जो आपके घर में आराम से मेरे ख्याल से हर घर में मौजूद होता है। तो इसके लिए सबसे पहले मिक्सी ली है, इसमें कैरी है, मैंने इसको छील के और काट लिया था, ये ऐड करेंगे। एक कैरी है मेरे पास और तकरीबन एक कप ही मेरे पास फालसा है। फालसे को आप लोगों ने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, क्योंकि आप मार्केट से जब हम इसको बाय करते हैं तो बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, तो हर फ्रूट्स हो या वेजिटेबल हो उसको वॉश ज़रूर करें। अच्छा जी, इसको मैंने ऐड कर दिया कि एक कप है मेरे पास तकरीबन। अब इसमें साथ हम ऐड करेंगे एक चम्मच लेमन जूस, ठीक है। लेमन जूस से इसका जो जायका और फ्लेवर आएगा वह क्या बात है। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे पुदीने के पत्ते, ये भी तकरीबन मेरे पास हाफ कप है, ठीक है। पुदीने का भी आपको पता है इसकी तासीर ठंडी होती है, ये बहुत अच्छा होता है मैदे के लिए। अब इसमें ऐड करेंगे एक कप पानी, पानी जो है ना वो हमने एक कप ही ऐड करना है, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जूस नहीं बनाना, इसका हमने मिक्सर थिक मिक्सचर चाहिए, ठीक है। अब नमक जाएगा काला नमक 1/4, और साथ में इसमें ऐड करेंगे हम चीनी। चीनी जो है वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट यानी कि शामिल कर सकते हैं। अब इसको अच्छा से ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, अब हम इसको छान लेंगे। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा है उससे छान लें, नहीं तो ये स्ट्रेनर होता है या छन्नी होती है घर में, वो रखें और इसको हम अच्छे तरीके से छान लेंगे। अच्छा जी, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो फटाफट से लाइक एंड शेयर कर दें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी मोहब्बत का और प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये देखें अब ये इसका जो गुदा है वो इसकी गुटलियाँ जो है वो रिमूव कर देंगे हम, और नीचे जो हमें जो इसका थिक मिक्सचर चाहिए ना वो इसको हम इसको सेपरेट करके साइड पे कर लेंगे। बड़ी यूनिक सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छा जी, ये निकल आया जी, देखें ये मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे जी, अब गिलास को हमने रेडी करना है, इसको हमने किस तरह सर्व करना है। अब ये जूस हमारा कम्प्लीट नहीं हुआ, गिलास ले रही है। अब इसको इसमें मैं करूँगी ऐड, फालसा और कैरी का जो हमने मिक्सर बनाया है उसको ऐड करेंगे दोनों ग्लासेस में। फुल नहीं बना तकरीबन हाफ से भी कम है ना, इतना आपने ऐड करना है, ठीक है। फालसा कैरी मार्गरीटा बनेगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा जी, आप इसमें कोई सा भी आप सोडा ऐड कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो या जो आप लोग पसंद करते हो, ठीक है। तो ये ऐड करने के बाद अभी तो ये फ्लफ़ी हो गया, नमक डाला ना उसकी वजह से ऊपर आ रहा है, तो जैसे जैसे बैठता जाएगा उसके बाद हमारे जो ग्लास हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। ये देखिए जी, बेहतरीन से ग्लास टिप एंड टॉप रेडी हो गए हैं। गर्मी में रिफ़्रेशमेंट के लिए गेस्ट आएँ तब भी आप बना सकते हैं, बच्चों को बना के दें, घर वालों को बना के दें। बहुत ही ज़बरदस्त ये ड्रिंक बनता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। कल इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो किसी दिन वीडियो हम लोग अपलोड नहीं कर पाते उसके लिए सॉरी, क्योंकि अब लाइट नहीं होती तो वीडियो अपना अपलोड नहीं होती। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने की बान, सी यू टुमारो।